हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम गुड़हल पर ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग करने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि मैं एक ही प्लांट पे दो डिफरेंट कलर का फूल प्राप्त कर सकूं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आप जो भी लें काटने के लिए, नाइफ लें या ब्लेड लें, आप उसे अच्छी तरह से स्टरलाइज कर लीजिए। स्टरलाइज करने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं, या आप उसे जो टूल्स है उसे आप गर्म कर दें ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। तो सबसे पहले मैं सियन ले रहा हूँ, जो अपर पार्ट होता है उसको हम सियन बोलते हैं। देखिए, कम से कम जब आप ले रहे हैं तो उसमें कम से कम तीन आइज होना चाहिए, मतलब जहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं। इसके बाद हम उसे देखिए वी शेप में कट करेंगे। कट हमें ऐसा करना चाहिए कि जब वो शार्प हो, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल ही प्लेन। सियन का जो हाइट है वह सामान्यतः 6 इंच से 9 इंच का होना चाहिए। अब मैं जिस प्लांट पे ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ उसे रूट स्टॉक कहेंगे। जनरली हमें सेम मोटाई का ही तना चूज करना है। अब यहाँ पे हम बीच में से चीरा लगाएंगे ताकि सियन का जो पार्ट है वो उसमें इंसर्ट हो जाए। कम से कम 1 इंच डीप में करना होता है, 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक। इसके बाद आप सेलो टेप या प्लास्टिक की मदद से अच्छी तरह टाइट करके बांधें। एयर टाइट होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय जनवरी फरवरी का होता है। आप इस मंथ में कर सकते हैं ग्राफ्टिंग। अब हम ऊपर से प्लास्टिक डाल देंगे जिससे इवापोरेशन रेट जो है वो कम रहे, और यह जो है 15 से 20 दिनों में इस ये जो सियोन है उससे न्यू ब्रांचेस निकलने लगेंगे। तो हम 10 दिन बाद ये प्लास्टिक को हटा देंगे। सिखाया जाता है इसको बहुत सारे प्लांट। अगर आप भी एक ही पौधा से दो कलर के फूल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी सेम इसी तरह ग्राफ्टिंग कीजिए। अगल बगल के जो ब्रांचेज है उसे हमें हटा देना है। मैं इसका अपडेट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।